दिल्ली में बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली गेट के पास एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से कई जगह जलभराव हो गया है। दिल्ली गेट का ये चौक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी जलभराव का शिकार हो गई है, यानी कि जलभराव में एम्बुलेंस खराब हो गई है, बंद हो गई है। शुक्र वाली बात इसमें यह है कि इसमें कोई मरीज नहीं है, और अगर इस एम्बुलेंस में मरीज होता तो आप सोच सकते हैं कि जलभराव में अगर एम्बुलेंस खराब हो जाती है बीच में और मरीज इसमें होता है तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो भी जलभराव में खराब हो गई है। दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई है, कई जगह पे जलभराव हो गया है, गाड़ियां जो रुक रुक के चल रही है, गाड़ियां बंद हो रही है, दिक्कत हो रही है लोगों को। और ये दिल्ली गेट का जो चौक है वहां का नजारा है, किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस आपके सामने है, वो भी यहाँ पे जलभराव में रुक गई है क्योंकि वो बंद हो गई है। शुक्र वाली बात यह है कि इस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है, और अगर इसमें मरीज होता तो आप सोच सकते हैं कि उस मरीज को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कैमरामैन सुरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।